हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी पॉलिटेक्निक के सबसे भरोसेमंद चैनल स्टडी पावर पॉइंट में। आप सभी फैमिली मेंबर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है दीपावली का पर्व चल रहा है साथियों, आप लोग इंजॉय करिए एकदम। और इसी बीच बीटीयूपी ने जो काम दिया है उसको भी करते रहिएगा। जैसा कि आपको पता है आधार वेरिफिकेशन वगैरह का चक्कर चल रहा है जिसमें कि फैमिली आईडी वगैरह भी लग रही है। तो पिछले वीडियो में हमने फैमिली आईडी में के बारे में ऊपर ऊपर से जिक्र कर दिया था, लेकिन बनाना नहीं हमने बताया था आपको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाना जाऊंगा। जिसका राशन कार्ड भी नहीं बना वो कैसे फैमिली आईडी बना सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको सभी चीजें आराम से देखनी है, समझनी है। बाकी कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में करो, अगला वीडियो उस पर बना दिया जाएगा। तो देखो अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले बता दें स्टडी पावर पॉइंट ऐप पर बहुत ही बढ़िया अभी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे डिस्काउंट का, पढ़ाई का, कल ही से ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जा करके लाभ उठा सकते हो। चाहे लाइव बैच हो चाहे रिकॉर्डेड बैच हो, सब पे ऑफर चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग चूज करो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक चिपका दिया है, वहां से फटाफट डाउनलोड करो। दिक्कत है व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। आओ अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो फैमिली आईडी बहुत जल्दी बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है आपको। सबसे पहले सीधे सीधे क्या लिखना है यहां पे भाई, फैमिली आईडी, ठीक है, यूपी। देखिए फैमिली आईडी यूपी आपको ऐसे सर्च कर देना है, जो पहली साइट आएगी इसको क्या करना ओपन कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकेंगे, ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। आप देखिए ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया तो आप यहाँ से एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बाकी हम लोग को न्यू करना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना भाई, आपको क्या करना है यहाँ पे अपना नेम, मतलब यहाँ पे आपका नाम लिखना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। देखिए घर में कोई भी अपना मेंबर जो भी होगा वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें जानते क्या करना है, तो इसमें क्या करना है वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ये नहीं कोई दूसरा डाल देना ना, आधार आईडी दूसरा डाल दोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आधार आईडी वाला नंबर डालना है, ठीक है, नेम आधार नंबर का जो भी मोबाइल नंबर हो। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना, एक ओटीपी आएगी, उसको फिल कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। बस हो गया रजिस्ट्रेशन। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर से कुछ नहीं करना है, यही पेज ऐसे ही रहेगा। और आपको देखिए यहां लिखा है ना, आपके पास पहले से अकाउंट है, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना है आपको, उस इस पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि भैया आपके किस में ऐड हो, मतलब जो अब इससे पहले आपने रजिस्टर कर रखा था आधार कार्ड वाला, वही डाल के ओटीपी डाल दीजिए। जैसे आप इतना फिल करके ना इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। आप सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट से इस वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, इस वाले पेज पे आ जाएंगे। और इस पेज पे आने के बाद ना आपका जो भी आईडी रहेगा, देखिए जिसका राशन कार्ड बना होगा, सभी फैमिली मेंबर ऐड होंगे, उसमें क्या करेगा भाई, सभी मतलब सदस्य का नाम वगैरह दिखा देगा, क्या चीज है और कितने परिवार में मतलब ऐड है वो सब फैमिली में दिखा देंगे फैमिली मेंबर। उसके बाद आगे बढ़े, अब देखिए आगे बढ़े बढ़ने के लिए ना यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना दर्ज करना है। क्या करना है, अपना आधार नंबर फिल करना है और उसके बाद आगे बढ़े जो भी है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके घर के सभी मेंबर आ जाएंगे और फैमिली आईडी डाउनलोड करने के लिए नीचे लिखा रहेगा, फैमिली आईडी प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक, जहां प्रिंट लिखा रहेगा ना वहां कोई बटन नहीं बनी है, वो प्रिंट ही बटन है, उस प्रिंट पे क्लिक करना, प्रिंट हो जाएगा, उसको रख लेना, फोटोकॉपी भी करा लेना, तो हो गया काम। लेकिन जिसका नहीं बना वो क्या करेगा मेरे भाई, उसके लिए ध्यान से समझो, उसको क्या करना होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन करना है हमने दिखाया था अभी ना, मोबाइल नंबर नाम और आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर डाल के साइन, पहले तो साइन अप कर लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है, पहले से अकाउंट बन गया। तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे ही आओगे लेकिन इसमें दिखाएगा नहीं कुछ, तो आगे बढ़े क्लिक करो, कुछ भी नहीं दिखाएगा आपको। देखो क्या करेगा ना, इस तरीके का एक पेज शो होगा आपके सामने, ठीक है, ऐसे पेज शो होगा। तो यहाँ पे जो आपका, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका भाई मतलब शो होगा, तो इसमें देखो क्या चीजें होने वाली, बात को समझिए, इसमें इस तरीके से आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि देखिए पहले में आधार वेरिफिकेशन, दूसरे में आवेदक जो घर का कोई मेंबर कर रहा है उसका नाम, उसके बाद परिवार के सदस्य जोड़े, ठीक है, कितने मेंबर को आप जोड़ना चाहते हो। तो जानते हैं क्या करना होगा, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक। और देखिए जितने मेंबर सबका नंबर लिंक हो तभी यह काम करिएगा, सॉरी ये नहीं कि एक दो लोग काम करिए, क्योंकि एक बार अभी हो जाएगा दोबारा अभी ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहां से फटाक से
उनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो फिल कर देंगे, फटाफट 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 सब जुड़ते चले जाएंगे जितने भी आपके घर के सदस्य होंगे अपने फैमिली में, तो वो अपना सब ऐड कर लेना। उसके बाद फैमिली का एड्रेस पूछा जाएगा, वो आप इधर फिल करना, ठीक है। फैमिली का क्या पूछा जाएगा, एड्रेस पूछा जाएगा, वो भर देना। जब इतना चीज हो जाएगा तो आप वेरीफाई के लिए सबमिट कर देना। आप थोड़ा इंतजार करना, आपका यह चीज क्या हो जाएगा, वेरीफाई के लिए कर जाएगा। एक्चुअली आपका आधार बना नहीं है तो ये क्या होगा भैया, आपके जैसे वो नहीं होता जहां से राशन कार्ड बनता है, जैसे ब्लॉक वगैरह का कुछ चक्कर है तो वहां से जहां से बनता है भाई, वो लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। वेरीफाई तो स्टेटस देखने के लिए आप लोग वो वाला चेक करते हो, बाकी फैमिली आईडी तो आपको मिल ही जाएगी तुरंत, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप क्या करना, फटाफट से बना लेना, बस कुछ करना होना नहीं इसमें। उसके बाद देखो, जब आप लोग फैमिली मेंबर ऐड करने लगोगे ना, तो जो पहले रजिस्ट्रेशन किया है उसका डिटेल यहां दिखाएगा, बाकी सबका डिटेल इधर दिखाएगा, ठीक है। जैसे उसके घर के जो भी सदस्य होंगे, इन सभी लोग का क्या करेगा, इधर की साइड साथियों आपको क्या होगा, दिखाया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब चीजें हो गई हैं, और बस यही देखिए आपका है, सब डाटा मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, फटाफट से फैमिली आईडी अपनी बना लीजिए। कोई दिक्कत आता है ना तो तुरंत कमेंट करिएगा, और अगर किसी सदस्य का आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है उनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, तो जाइए आधार वाले सेंटर वगैरह पे, वहाँ पे ऐड करा लीजिए फटाफट से। 24 घंटे शायद लगते हैं, अभी जल्दी में हो रहा है, तो करिएगा फटाक से हो जाएगा, फिर कर लीजिएगा। अभी इस चीज़ की डेट बढ़ा दी गई है, 17 तारीख तक कर दी गई, 17 नवंबर 2023 तक, तो आप लोग आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।